कुरल काव्य में 92 परिच्छेद में श्लोक नंबर 8 में वेश्यावृत्ति आत्मघातक स्वघातक कुलघातक कुलघातक देहघातक और सर्वस्वनाशक 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 वेश्यावृत्ति। अब सर्वस्वनाशक का मतलब समझिए, स्व यानी धन, संपूर्ण धन का नाश कराने वाली है वेश्यावृत्ति। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसा में शून्योधि मन्यते तिलंपटा सर्वघ्नायो वेश्या परचसा सुधामयम। ऐसा विमर्श शून्योधि बहुत सुंदर शब्द, विमर्श शून्योधि जिसकी धी विमर्श शून्य है, विचार शून्य बुद्धि, विचारवान पुरुष श्रेष्ठ काम करने का विचार करता है, विचार शून्य आदमी अपने विवेक को देता है, और इतने विवेक नहीं होता, मूल वस्तु दो तीन बात का ध्यान रखना चाहिए, धन धर्म यश, धन धर्म यश देह, ये चार बातें ध्यान दो, धन धर्म धन देह यश। जो व्यक्ति चार बातों को चिंतन करके जिएगा वो अपने आप को बचा के रखेगा, सदाचार की रक्षा कर पाएगा, धर्म धन देह यश। वेश्यागामी आदमी के पास न धर्म बचता है, न धन बचता है, न देह बचती है, और न यश बचता है, ये चारों का नाश कर लेता है। नारी को खुश करने के लिए धन का व्यय करेगा, अपने शरीर की शक्ति नाश करेगा, देह का भी नाश करेगा, खोखला हो जाएगा, और धर्म तो समाप्त हो ही चुका है, और यश कौन ऐसा पुरुष होगा, उसके स्वयं का बेटा भी होगा अथवा पिता भी होगा, वो भी कहेगा ये ठीक नहीं है। तो धन का नाश, धर्म का नाश, यश का नाश, देह का नाश, वेश्यावृत्ति का हो जाता है। तो विमर्श ऐसा विमर्श शून्योधि जिसकी बुद्धि विचार शून्य है, मन्यते तिलंप रहा, और सोचने समझने की बुद्धि नहीं उसकी, लंपट के पास, स्व बद्वेश्याया स्वर बद्वेश्या परिसे शुद्धम गम्यम, और वेश्या कामियों का आलंघन करने वाला अज्ञानी प्राणी समझता है ध्वस्व स्वर्ग, ध्व यही ध्व की दुर्वर्तनी, ध्व स्वर्ग ध्वयो वेश्याम, वो ये समझता है वेश्या स्वर्ग की अप्सरा के समान है। क्या समझा है? हाँ, तो स्वर्ग बधु यानी अप्सरा, स्वर्ग बधु मतलब अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, यानी वेश्या को स्वर्ग की अप्सरा जैसा मन करके वो वेश्या परसंगम सुधा अमयम, तो ऐसा ज्ञानी कामनियों आलिंग अप्सराओं की मोहिनी के समान ऐसा समझता कि ये स्वर्ग की अप्सरा है, स्वर्ग की देवांगना है, ऐसा मान करके कामी लंपटी वेश्याओं के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, वो अज्ञानी नहीं समझ पा रहा है वर्तमान में यश, भविष्य में कुगति,
यही वैसा का फल है। वर्तमान में धर्म यश देह धन का नाश और भविष्य में दुर्गति, ये वैसा लंपट रीति के लिए यही उसके फल मिलता है उसको, ऐसा समझना चाहिए। वैसा वृत्ति का फल।